नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी के बारे में। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज जुड़े हुए हैं, मतलब मान के चलिए जैसे सैटेलाइट के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ डिफेंस के जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मान के चले मिसाइल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, उनमें से आप जिस कंपनी के नाम बहुत बार सुन चुके हैं मेरे मुंह से, तो इसी टाइप कैटेगरीज के बहुत सारे कंपनीज है। तो आज मैं उसी कैटेगरीज के ऊपर एक नया कंपनी के बारे में बात करूंगा जो हाल ही में देखा जाए तो 2021 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ। तो इस कंपनी देखिए, नया जो कंपनी कोई आते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च ना करके ही तो बहुत सारे दोस्त निवेश कर देते हैं। तो उसका फ्यूचर जानना है, उसका बिजनेस मॉडल्स जानना है और कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स भी जानना है, साथ ही साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जानना है। तो इतने सारे डिटेल्स आप जानने के बाद कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर सकते हैं। फिर भी देखिए, उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद भी आपको कोई सियोरिटी नहीं रहेगा कि वो कंपनी आपको रॉकेट की तरह भागेगा, क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी जब मार्केट में लिस्टिंग होता है, ज्यादातर कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी होते हैं। हाँ, कुछ गुने मतलब कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो लार्ज कैप टाइप होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर ले लें। और हाँ, आप कहेंगे सर इस कंपनी के तो शेयर मेरे पास नहीं है तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करूँ, तो मैं जरूर कहूंगा देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, मतलब आप एक बिजनेस करने आए हैं, तो आप बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पैसे चाहिए बिजनेस से, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप चाहते हैं आप 15 से 20% तक रिटर्न ईयरली आपको मिल जाए तो आप खुश है, तो चलो कोई बात नहीं, तब आपके लिए इस वीडियो नहीं है, क्योंकि आप ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिए, आपको इस तरीके से रिटर्न मिलता जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप 30 टू 50% तक रिटर्न चाहते हैं ईयरली, तो थोड़ा सा आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और थोड़ा आप रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है आपका, और कंपनी का मतलब उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं जिसका रिस्की गेम है मगर रिस्की रिटर्न भी दे सकते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी ठीक रहेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है और पूरे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इंटरडे लेवल में जो कॉल हमारा प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री समझ के ये मत समझ लेना कि कंपनी का कॉल खराब है। तो आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, एक बार ग्रुप में ज्वाइन होकर देखिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अगर आपको आप एक एक वीक के लिए टेस्ट करिए, 1 वीक के लिए टेस्ट करिए, एक दिन में टेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर मान के चलिए आप जिस दिन में टेस्टिंग किया उस दिन में लॉस हो गया तो इस टेस्टिंग में कुछ नहीं होगा, आप 1 वीक के लिए टेस्टिंग करिए, आपको लगते हैं कि हाँ कॉल खराब है तो आप स्टॉक मतलब वहां से निकल चलो। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारा जो नीचे लिंक है वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे एंजल वन के माध्यम से, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारा ग्रुप से मिलता रहेंगे आपको। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैं जाना चाहूंगा। देखिए कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, पोरस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो पोरस जो डिफेंस टेक्स मतलब स्पेस टेक्नोलॉजीज जो है वो देखा जाए तो कंपनी हेवी इंजीनियरिंग, और यहाँ पे देखिए हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं, डिफेंस एंड स्पेस ऑपरेशंस के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे देखिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करते हैं, और ईएमपी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं एंड नीच टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप देख सकते हैं टोटली टोटली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के तरह की तरीके से ही है। आप जैसे इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप देख सकते हैं, कंपनी रॉकेट एंड मिसाइल्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, साथ ही साथ स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम करते हैं, साथ ही साथ नेवी सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं, लैंड एंड जो इसका जो माइनिंग है उसके ऊपर भी काम करते हैं, उसके जो व्हीकल्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वायरफेयर मतलब वायर फ्री फ्री है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी टोटली डिफेंस के सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और डिफेंस सेक्टर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर आज अच्छा चल रहा है कल अच्छा चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं पॉलिटिकल बात जरूर कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखे हैं।
अगर दूसरा गवर्नमेंट आ जाते हैं तो वो कितना इस सेक्टर के ऊपर इन्वॉल्व रहेगा और कितना प्रेशराइज रहेगा, कितना इसके ऊपर फोकस रखेंगे, वो अभी आपको नहीं पता चलेगा, तो वो बाद में शायद आपको पता चलेगा। तो अभी आपको फिलहाल के लिए देखिए इस टाइम में ही आपको मौका है इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाने का। तो आप कहेंगे सर स्टॉक में तो अभी तो लॉस चल रहा है, फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक आपको एक सस्ते दाम में मिल रहा है। तो जितने सारे इन्वेस्टर है, जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, उनका कहना है कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आप जब रैली हो रहा है स्टॉक में तब निवेश मत करिए। जब रैली खत्म हो जाएगा, जब रैली खत्म मतलब एक लेवल में जाकर स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद वहां से गिरावट होगा, तो उस टाइम में बाई करिए। तब आपको दूसरा जब रैली देखने को मिलेगा तब आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। तो देखिए कंपनी के फाइनेंस से डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 2700 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और कंपनी देखिए इसका पी रेशियो 182, मतलब इसका पी रेशियो बहुत बहुत हाई लेवल में है। तो इस पी रेशियो में भी लोग खरीदना चाहते हैं, तो आपको मैं जरूर कहूंगा आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसका पी रेशियो मुझे ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पे दिखने को मिला। तो इंडस्ट्री मतलब 182, मतलब 180 के ऊपर है, इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 180 रुपया देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा मान के चलिए, इतना ज्यादा पैसा देके क्यों इस तरीके से कंपनी खरीदना है। तो फिर भी देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इस कंपनी खराब है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो जबरदस्त लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो और सॉरी इंडस्ट्रीज पी ओ रेशियो जिस तरीके से है, साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम भी देखिए 15 करोड़ का है। कंपनी का डेप जरूर है 120 करोड़ का, सॉरी 102 करोड़ का। तो कंपनी का जो डेप ऑफ इक्विटी है वो 2.29% का। तो कंपनी का हाथ में कैश जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और इन्वेंटोरीज डे बहुत टाइम लग रहा है कंपनी का, करीबन करीबन 1 साल से भी ज्यादा, 480 डेज, एक 1.5 साल से भी ज्यादा है। तो डेटर्स जो डे है वो भी कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 261 डेज में। तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है 455, मतलब तीनों चीज मुझे बहुत हाई लेवल में देखा, तो ज्यादा टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक लो लेवल में है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर तो अभी बहुत सारा देखने को मिला है। तो कंपनी देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते, तो इसलिए कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप के हिसाब से बात करूं कंपनी के क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए कर्जा इतना होने के नाते तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद भी कंपनी के हाथ में मार्जिन जो है वो धीरे धीरे कम देखने को मिला। और कंपनी के साल भर की बात करें तो कंपनी साल भर में कंपनी प्रॉफिट तो किया, तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ नहीं करा पाया, कभी कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो अभी देखना है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे नेगेटिव दिखा, और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देखा जाए तो इन्वेस्टर जो FIs है और जो DIs है उतना ज्यादा एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। तो DIs के बारे में बात करूँ तो DIs आप देखेंगे तो HDFC, निपोन लाइफ एंड जो अबाकुस है, वो इस तीनों कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर माल उठा कर रखा। तो ज्यादातर पब्लिक ने इस कंपनी के ऊपर माल उठा कर रखा 38.20%। तो अभी जिस बात के हमेशा इंतजार होते हैं कि कंपनी के ऊपर निवेश करें कि ना करें, तो देखिए उससे जानने से पहले आपको चार्ट पैटर्न भी एक बार देखना होगा। देखिए जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तब इस कंपनी रॉकेट की तरह भागा था, रॉकेट की तरह। तब मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, मतलब कभी ना कभी गिरेगा ही। तो बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो देखिए रॉकेट की तरह जिस तरीके से भागा उस तरीके से देखिए गिरावट भी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है और वो भाग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो कंपनी कभी ना कभी गिरेगा। देखिए उसका हालत इसी तरीके से हुआ, यहाँ पे देखिए जिस तरीके से तेजी में गया था और उसके बाद देखिए लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट बनते 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 आज एकदम उसी लेवल में आ गया जिस लेवल में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए अभी? तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का Q4 Q4 का रिजल्ट आने दीजिए। अगर Q4 का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के तुलना से अच्छा होते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, तो आप उसके बाद निवेश करने का सोचना। तो फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर जरूर यहाँ पे दूंगा, आप मिनिमम आप जितना मिनिमम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो करिए, मैक्सिमम मत करिए। मिनिमम अमाउंट मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है टोटल निवेश करने के लिए, तो आप इस कंपनी के ऊपर 1000 रुपया ही निवेश करिए, मतलब 1% तक निवेश आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा निवेश मत करिए।
ठीक है। तो क्योंकि मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में आप ज्यादा निवेश कर देंगे, आप कहेंगे सर मैं पूरा का पूरा 50,000 ही निवेश कर देता हूँ, मुझे अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो आपके खुद के रिस्क के ऊपर करिए, क्योंकि रिस्की मार्केट है। इस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आपको रिस्की गेम खेलना होगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं आपके पैसे का, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आप रिस्क कम लेकर इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करिए। जब कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होगा तब निवेश थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।